वेलकम बैक दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। जो प्यार आप लोग ने मुझे दिया हुआ है स्टोन एडिशन के वीडियोस पे, क्रॉस एडिशन की ग्रिल पे, हमारी इच्छा थी कि अगला स्टोन एडिशन जल्द आप लोगों के सामने लेके आएंगे। विद इन 1 वीक हमने सेकेंड स्टोन एडिशन आप लोग के सामने तैयार है। दोनों का कॉम्बिनेशन मर्ज करके हम लोग देख रहे हैं द सिल्वर, जो स्टोन एडिशन का कॉन्सेप्ट है। स्पेशली सिल्वर कलर की गाड़ी के लिए मैं बोल सकता हूँ, जैसे वाइट गाड़ी के लिए गोल्ड एडिशन बना है, तो सिल्वर कलर की गाड़ी के लिए स्टोन एडिशन का थीम बेस्ट सूटेड है। कर तो हम कोई भी गाड़ी के कलर पे सकते हैं, बट उसका जो थीम है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, सिल्वर गाड़ी के ऊपर उठ के आता है। प्रेजेंटिंग टू यू द सेकेंड स्टोन एडिशन ऑफ एर्टिगा साई ऑटो एक्सेसरीज के तरफ से, बटरफ्लाई DRLs के साथ, मैजराटी लुक क्रॉस एडिशन ग्रिल के साथ इस गाड़ी का वेलकमिंग या इंट्रोडक्शन मोड हम लोग देख सकते हैं। सी द गेटअप ऑफ द कार, चाहे वो उसकी DRLs हो, जो बटरफ्लाई हेडलाइट्स हैं काफ़ी ब्राइट आती हैं, और जब आपकी ही हेडलाइट है, ये कोई हमने हेडलाइट चेंज नहीं की है, जो मारुति की ओरिजिनल हेडलाइट है, बिफोर आपने देखी थी, आफ्टर भी आप लोग देख सकते हैं कि बनने के बाद सीधा इम्पैक्ट आ रहा है जो गाड़ी के अंदर, पर्शियन ग्रीन रिंग के साथ, क्रॉस एडिशन की ग्रिल के साथ, जो कंपनी की ग्रिल के ऊपर ही लगती है। मतलब ये नहीं कि हमने कुछ चेंज कर दिया है कि क्या है, जो ओरिजिनल ग्रिल है उसके ऊपर ही ये एड ऑन एक बनाया हुआ है, जो मैट ब्लैक एंड क्रोम इंसर्ट्स के साथ है। सी द फिनिशिंग ऑफ दिस ग्रिल, पूरा जो फ्रंट लुक है, एक फेस है गाड़ी का, चेंज हो जाता है। मेड इन थाईलैंड की ग्रिल ये आती है जो हमने इसके अंदर लगाई हुई है। वंस अगेन मैं आप लोग को बोलूँगा, जब DRLs ऑन होती हैं ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ, यू कैन जस्ट सी द रिस्पॉन्स, द गेटअप ऑफ द कार, की कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसको हमने रेडी किया हुआ है। सो सेकेंड स्टोन एडिशन, जिसमें बटरफ्लाई DRLs हैं, ओमेगा DRL 2 जब लगती है एक हेडलाइट में तो उसको बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ग्रिल हमारी क्रॉस एडिशन की है, जो एस क्रॉस का लुक देती है गाड़ी को आगे से। डिफ्यूज़र्स ये गाड़ी के अंदर हमने लगाए हैं, बॉडी कलर सेम टू सेम सिल्वर कलर में, यू कैन जस्ट सी द फिनिश। स्टोन एडिशन की बैजिंग्स के साथ इस गाड़ी का, इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट का जो नाम है स्टोन एडिशन, इज बिकॉज ऑफ द स्टोन इंटीरियर स्टाइलिंग किट, जो अंदर की तरफ इंटीरियर में हमने लगाई हुई है। सी द गेटअप, जैसे हम XL6 में मार्बल फिनिश देखते हैं, ये पियानो ब्लैक में थोड़े से सिल्वर हाइलाइट्स के साथ, इसी के लिए हम बोलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बना सिल्वर गाड़ी के लिए है। सो आपकी गाड़ी का कलर अगर सिल्वर हो तो आग बंद करके ये कॉन्सेप्ट में हमको चलना है। यू कैन जस्ट सी द गेटअप ऑफ दिस स्टाइलिंग किट इन द कार। एक एक डैशबोर्ड का पीस, एक एक पावर विंडो के बटन का पैनल, जब स्टोन एडिशन के शेड में कोट होता है तो उसका गेटअप हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है। इंटीरियर का भी जो कलर कॉम्बिनेशन हमने ये गाड़ी में यूज़ किया हुआ है, द आइस ग्रे एंड द ब्लैक सीट कवर्स ऑफ द टॉप गियर ब्रांड,
यू कैन जस्ट सी द फिटमेंट क्वालिटी ऑफ द सीट कवर्स. हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, कॉफ़ी हो गया, वाइट गाड़ी पे तो सब अच्छा लगता है. बट अगर आपने गाड़ी का कलर सिल्वर लिया है तो कलर भी अगर सिल्वर टोन से मैचिंग लग जाता है, आइस ग्रे जो न्यू क्रेटा का इंटीरियर है, जो न्यू नेक्सॉन का इंटीरियर है, सी द फ्रेशनेस इन द इंटीरियर कलर ऑफ द कार. आर्म रेस्ट दोनों सीट के बीच में हाथ रखने वाला नहीं आता है, हमने लगाया हुआ है जैसे मर्सिडीज़ में हम देखते हैं डबल फ्लैप ओपनिंग के साथ. डैशबोर्ड ऑफ द कार हैज़ बीन लेदर रैप्ड डुअल कलर कोटेड इन द आइस ग्रे एंड द ब्लैक कॉम्बिनेशन. एक वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है जो पूरा डैशबोर्ड पहले ब्राउन या माउस कलर का आता था. जो दरवाजे हैं वो उसमें भी लेदरिंग का वर्क है. जो स्टेयरिंग है वो भी आइस ग्रे एंड ब्लैक टेक्सचर में ही हमने कोट किया हुआ है. बट मैं फिर से बोलता हूँ, ये गाड़ी, ये कॉन्सेप्ट अधूरा है, इनकम्प्लीट है, जब तक द गैलेक्सी टेल लाइट विद द गैलेक्सी टेल बार के साथ इसको आप लोग ना देखें. द गैलेक्सी टेल लाइट विद द गैलेक्सी टेल बार, सी द रियर लुक ऑफ द कार. जब ये कॉन्सेप्ट ऑन होता है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग ने कितनी गाड़ियों में देख लिया है, और आप लोगों का प्यार है जो हमें मजबूर करता है कि हर गाड़ी में कस्टमर पहले आता है कि बोलता है कि यार इतनी टॉप मॉडल भी ले ली, ZXi प्लस भी ले ली, लाइट ही नहीं दी है कंपनी ने पीछे. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑल द 7 पैनल्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद द LED कॉन्सेप्ट. इसको बोलते हैं पिलर, इधर तक बोलते हैं XL6, इधर तक बोलते हैं गैलेक्सी, इधर तक बोलते हैं गैलेक्सी टेल लाइट विद द गैलेक्सी टेल बार. क्या ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है आप लोगों के सामने. ऑल ओवर इंडिया द फर्स्ट न्यू लॉन्च स्पॉइलर ऑफ द Ertiga इन द क्रोम फिनिश. हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा रेगुलर स्पॉइलर है वो यहाँ पे तो हमने लगाया हुआ ही है जो मारुति जेन्यून आता है, बट उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए जैसे स्पोर्ट्स कार्स में डबल स्पॉइलर हम देखते हैं, तो मारुति सुजुकी का जो लोगो है उसके ऊपर ये बार कोई हमने विनाइल रैप नहीं बट स्टोन एडिशन का एक्सक्लूसिव स्पॉइलर लगाया हुआ है जो इस वीडियो में लॉन्च कर रहे हैं. तो देखो, मेरी कोशिश रहती है कि काफ़ी स्टडी हमको करनी पड़ती है कि क्या चीज़ हम नवी आप लोग के सामने प्रेजेंट करें. जैसे ये फॉर्चूनर्स में ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये स्पॉइलर होता है. सो एक स्पॉइलर है ऊपर, ये आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा पीस है जैसे बेलिनो में आता है पीछे. द सेम कॉन्सेप्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन द Ertiga विद द ऑल न्यू लॉन्च क्रोम स्पॉइलर, विद द ऑल न्यू लॉन्च मैट ब्लैक फ्यूल टैंक कवर जो इसके अंदर हमने लगाया हुआ है, जो मैट फिनिश में आता है Ertiga की बैजिंग के साथ. ये जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है क्रोम एंड मैट ब्लैक का, सब मिला के ये स्टोन एडिशन बनता है. ये नहीं कि खाली DRL लगा दी तो स्टोन एडिशन हो गई, खाली स्पॉइलर लगा दिया, खाली मैट ब्लैक कवर लगा दी, खाली किट लगा दी, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है स्टोन एडिशन जो इसकी बैजिंग आप लोग देख सकते हैं. द सेकेंड, फर्स्ट हमने देखी थी वाइट गाड़ी के लिए, बट सिल्वर अगर आपकी गाड़ी का कलर हो तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर उसके अंदर हम लोग को देखना है. प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड के साथ जो ऑडियो सेटअप भी ये गाड़ी के अंदर हमने किया हुआ है, ऑडिसन के कंपोनेंट्स हैं जो आगे हमने लगाए हैं. इसके ट्यूटर्स की प्लेसमेंट आप लोग देख सकते हैं, ऑडिसन पीछे हमने लगाए हुए हैं, हर्ट्ज के कंपोनेंट चारों दरवाज़ों में, चारों कंपोनेंट्स का सेटअप है. सर आए थे वूफर लगाने के हिसाब से, बट ऑलरेडी स्टोन एडिशन का जो हमारा बजट है, सो थोड़ा सा उनको बजट के हिसाब से स्टोन एडिशन तो पूरी बनानी थी, तो हमने बोला कि 2 स्पीकर ऑडिसन के लगाते हैं, 14,000 के स्पीकर आगे के, 8,000 के स्पीकर पीछे के. वंस अगेन हमारे 22,000 के 4 स्पीकर हैं, एंड बाकी भी जो रेट्स हैं मैंने लास्ट वीडियोज़ में आप लोग को बताए थे कि स्टोन एडिशन अगर हमको बनाना है विद द क्रॉस एडिशन ग्रिल, 2 लाख रुपए का ये कॉन्सेप्ट और ये बजट हमको रखना है. इंडिविजुअल प्राइजेस डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं किस तरीके से है क्या है. व्हील कैप्स ऑफ द कार हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद अ व्हील कैप इन द कार्बन फाइबर, ब्लैक कार्बन फाइबर विद द मारुति सुजुकी बैजिंग के साथ.
क्लैडिंग्स का वर्क है डोर पे जो ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में आ रहा है, बट एक एक ये जो चीज़ सिल्वर गाड़ी के ऊपर लगी है आप लोग देख सकते हैं। एंड डार्क मोड में जो एम्बियंट लाइट सेटअप भी ये गाड़ी के अंदर आप हमने की हुई है, यू कैन जस्ट सी द गेटअप ऑफ द डैशबोर्ड कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से जो लाइट्स हैं हमने इंटीग्रेट की हुई है डैशबोर्ड पे, चारों दरवाज़ों पे, हैंडल जहाँ से खुलता है वो सेक्शन पे, एंड बॉटल्स हम जहाँ रखते हैं वो सेक्शन में। खाली एक एम्बियंट लाइट लगा देने से डार्क मोड पे इस एम्बियंट लाइट का गेटअप देख सकते हैं, सी द गेटअप ऑफ द लाइट, जो हमारी डोम वाली स्कफ प्लेट्स है जिसमें ये सी राउंडिंग आती है। एक एक चीज़ जो अब तक ये नहीं लगेगी तब तक स्टोन एडिशन इन कंप्लीट है, यू कैन जस्ट सी द अमेजिंग रिजल्ट इन द नाइट व्यू ऑफ द कार। हेडलाइट के जो बल्ब भी आते हैं अपग्रेडेड हैं HIDs एंड LEDs में, आप लोग देख सकते हैं कि लो बीम और हाई बीम पे रोड पे भी जो रोशनी गिर रही है इट इज़ अ फुल्ली फोकस्ड लाइट ऑन द रोड। द हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज HID किट इन द प्रोजेक्टर एंड हाई बीम के बल्ब हैं जिसमें वाइट लाइट भी है, टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन येलो लाइट भी है, सो येलो लाइट फॉग में हमको इफेक्टिव है। सो फाइनल ओवर रिव्यू ऑफ द क्रॉस एडिशन 2 ऑफ एर्टिगा, लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को हर बार की तरह, एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि सिल्वर गाड़ी पे ये ग्रिल आप लोगों को कैसी लगी है। एंड थैंक यू है मेरे चैट बॉक्स पूरा भर गया है कि सर ये ग्रिल हमको लगानी है क्या नहीं है, लिमिटेड पीसेस हैं सो ऑन बुकिंग ये चीज़ हो रही है। व्हाट्सएप पे ज़रूर एक इंक्वायरी भेजिए कि कौन सी आपकी गाड़ी है, कलर क्या है, बजट क्या है, उसके हिसाब से कोटेशन हम आपको ज़रूर भेजेंगे। फ़ोन थोड़ा कम करिए, जितना हो सके व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वाशी नवी मुंबई महाराष्ट्र में हमारी शॉप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। रोहित मेहता साई ऑटो एक्सेसरीज़ की तरफ से कस्टमर का भी इंटरव्यू हम लोग देखेंगे। स्टोन एडिशन सेकेंड जो वीडियो हमने देखा है, फर्स्ट हमने देखा था वाइट गाड़ी के ऊपर, उसी वीडियो को देख के अगले ही दिन अक्षय जी हैं हमारे साथ ओनर ऑफ द कार, जिनकी ये सिल्वर गाड़ी के ऊपर क्रॉस एडिशन ग्रिल के साथ प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड के साथ हर वो चीज़ जो स्टोन एडिशन में हमने देखी है एक अपने आप में ही अलग बात है। ओवरऑल गाड़ी का लुक कैसा लग रहा है अक्षय जी, अब क्या बोलेंगे देखने वाले? बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने हमें दे दिया, अभी कार का लुक बहुत एनहांस हो गया है। ग्रिल स्पेशली कैसी लग रही है आगे की? आगे देखी भी नहीं थी, सुबह आपको मैंने बताई, वो ग्रिल लग रही कैसी है गाड़ी? ग्रिल काफ़ी अच्छी लग रही है, जो नए से न्यू एडिशन बिठाया हुआ है। ओके थैंक यू करेंगे। थैंक यू। आए थे डायरेक्टली, उन्होंने बोला था कि जो ये लास्ट वीडियो है सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हमको करना है, कोई चीज़ में किधर भी कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं चाहिए। सो एक बार फिर से हम व्यूअर्स को थैंक यू करते हैं जो स्टोन एडिशन के ऊपर हमको प्यार, लाइक वगैरह करना चाहिए वीडियो, लाइक वगैरह कीजिए, लाइक करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।